हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज तो है रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन स्पेशल ब्लॉग है आज। और मेरा पूरा ब्लॉग देखें, आज मैं दिखाने वाली हूँ अपना पूरा परिवार। और फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद ये फेस्टिवल पहला फेस्टिवल है जो मेरे घर में मेरे हस्बैंड के बिना होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा पूरी दिनचर्या में, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, सब आज की वीडियो में दिखाऊंगी आपको। और ये मैंने ठाकुर जी को नहला दिया है गंगा जल से, और अब इनकी टावल अलग से बनाई हुई है, उसी से इनको पहुंचूंगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और फ्रेंड्स, ये मेरा आया है भाई, तो मेरा भाई राखी बंधवाने के लिए आया है। इधर मैं ठाकुर जी को भी राखी बांध रही हूँ, बिल्कुल सही समय पर आए हैं भाई मेरे। तो चलिए फटाफट पहले ठाकुर जी को बांधूंगी, फिर भाई को भी राखी बांधूंगी। तो ठाकुर जी को कपड़े पहना देते हैं, श्रृंगार कर देते हैं और जल्दी से राखी बांधते हैं। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे ठाकुर जी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, तैयार हो गए हैं नए नए कपड़े पहन करके, बहुत प्यारे लग रहे हैं। देखिए, कान्हा मेरे राखी के बंधन को निभाना, बांके बिहारी राखी के बंधन को निभाना। बांके बिहारी अपने भक्तों को ना भूलाना। श्री बांके बिहारी तेरी आरती उतारू, हे बंसी वाले तेरी आरती उतारू। और अब मैं अपने भाई को भी राखी बांध देती हूँ ठाकुर जी के बाद। तो बस भगवान से यही दुआ करती हूँ कि मेरे या किसी के भी भाई हों, लंबी उम्र जिएं और सदा खुश रहें अपने परिवार के साथ। हैप्पी रक्षाबंधन फ्रेंड्स। मेरे पति के बाद मेरे दामाद ने ही मेरे घर की खुशियों को वापस लाया है। Yeah.